साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासेस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासेस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे।